नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पहाड़ी अंजीर माने जाने वाले बेड़ू का जिक्र करते हुए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। सीमांत में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशन में उद्यान विभाग, कृषि विभाग और एकीकृत आजीविका सहयोग के संयुक्त प्रयासों से बेड़ू पहाड़ी अंजीर से जैम, चटनी और जूस तैयार किया गया था, जिसको बीते जून माह में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने शीघ्र उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन की बात कही। उत्पादों की मार्केटिंग की जिम्मेदारी हिलांस को दी गई है। बेड़ू फल औषधि गुणों से भरपूर है, जो कई बीमारियों में भी लाभदायक है। पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में ठाकुर देव सिंह चंचल सिंह बिष्ट मालदार चल बैजयंती फुटबॉल प्रतियोगिता जारी है। रविवार को हुए मैच में एलिट फुटबॉल क्लब ने 4-0 से मैच जीत लिया। कासनी की टीम कोई भी गोल नहीं कर पाई। मैच में निर्णायक की भूमिका में नवीन खत्री, नकुल महर, रोशन व अरविंद सक्सेना तथा उद्घोषक भूपेंद्र चौहान व देवेंद्र बिष्ट थे। मैच की शुरुआत मुख्य अतिथि बास्केटबॉल खिलाड़ी देवेंद्र सिंह डिकारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर की। इस मौके पर शमशेर सिंह सोन, बसंत जोशी, लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह, सूबेदार भूपेंद्र सिंह, कैप्टन नारायण लाल साह, कैप्टन हिम्मत सिंह सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद ने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आज अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान भीप कार्यकर्ताओं ने हिंदुत्व के उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल व जिला महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। इस अवसर पर विभाग मंत्री कैलाश जोशी, जिलाध्यक्ष जगदीश पांडे, संपर्क प्रमुख ललित पंत, जिला मठ मंदिर प्रमुख मुकेश भट्ट, कैप्टन बद्रीदत्त रौतेला, अजय वल्दिया, रविंद्र सामंत, रमा पांडे, ममता पांडे, रजनी जोशी, उमा भट्ट, उषा भट्ट सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। खेल दिवस की पूर्व संध्या पर बीते दिवस सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की अगुवाई में विभिन्न संगठनों द्वारा अर्जुन अवार्डी हरिदत्त कापड़े को उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व हॉकी के जादूगर माने जाने वाले ध्यानचंद को याद किया गया। गौरतलब है कि हरदत्त कापड़ी सन 1963 से 1978 तक भारतीय सेना की बास्केटबॉल टीम के कप्तान रहे। इस दौरान भारतीय सेना ने 14 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। फिलीपींस में आयोजित एशिया कप में भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने में कापड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन 1979 में हरदत्त कापड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में डॉक्टर गुरुकुलानंद कच्चहरी बाबा, प्रोफेसर जीत सिंह ज्याला, व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत, मीनू भट्ट, रोहित चौहान, रेखा जोशी, अजय रावत, चंचल भंडारी, डीएस भंडारी, भुवन पांडे, विजेंद्रमल, प्रकाश जोशी, सुनीता मेहता, रेंजर दिनेश जोशी, राजेंद्र देवलाल, जावेद खान, गजेंद्र बोरा, नरेंद्र गुरुंग सहित कई लोग मौजूद थे। दो युद्ध लड़ने वाले योद्धा कर्नल तेज सिंह खड़ायत का 92 वर्ष की आयु में बीते दिवस निधन हो गया। निधन की खबर मिलने पर सेना के अधिकारियों, पूर्व सैनिक संगठन सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पिथौरागढ़ जिले के मुनाकोट विकासखंड के रियासी गांव निवासी कर्नल तेज सिंह खड़ायत ने 1965 और 1971 का युद्ध लड़ा। वर्ष 1978 में अफगानिस्तान में भेजी गई शांति सेना में भी वे शामिल रहे। सेवानिवृत्त होने के उपरांत कर्नल खड़ायत पिथौरागढ़ सेना ब्रिगेड कैंटीन में प्रबंधक पद पर रहे। दिवंगत कर्नल तेज सिंह खड़ायत का सोमवार को रामेश्वर घाट में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भूपेंद्र भंडारी के गृह क्षेत्र में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिला मुख्यालय में संपन्न हुए राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में जीत दर्ज कर वे बेरीनाग पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर लोनीवी विश्राम गृह में क्षेत्रवासियों द्वारा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। साथ ही विद्यालय में भी जिलाध्यक्ष भंडारी का प्रधानाचार्य राजेश पंत, संघ ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन मेहता, पीटीए अध्यक्ष राजन राम सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार एक जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे समर्थन दिया, मुझे जिला अध्यक्ष पद पर दूसरी पारी शुरू करने का मौका दिया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं दिल से और आभार व्यक्त करता हूं। जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए मैं शिक्षकों के लिए काम करूंगा, शिक्षकों की समस्याओं को उठाऊंगा और हमारे कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे जिसमें पुरानी पेंसिल बहाली और हमारे जो ट्रांसफ़र और प्रमोशन
पिथौरागढ़ के डीडीहाट में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही फर्श से 22,570 रुपये भी बरामद किए गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडीहाट प्रभारी निरीक्षक हिमांशु पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नगर के एक रेस्टोरेंट के निकट 5 व्यक्ति गोविंद सिंह, देवेंद्र सिंह, नवीन चौहान, संजय सिंह और विनोद सिंह जुआ खेलते पाए गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जुए के फर्श से एक ताश की गड्डी व 22,570 रुपये नगद बरामद किए। पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ धारा 13 जुआ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मिशन मर्यादा अभियान के तहत थाना अध्यक्ष मुंशारी मुनव्वर हुसैन के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपी हरीश सिंह प्रज्वाल को अवैध अंग्रेजी शराब व 51,500 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त अभियान के तहत जिले भर में 42 व्यक्तियों के विरुद्ध कोटपा व पुलिस अधिनियम में कार्रवाई की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान के तहत मुख्यालय में उप निरीक्षक बबीता टमटा द्वारा चेकिंग के दौरान रोशन सिंह को शराब के नशे में वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। साथ ही जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 49 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इधर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में रविवार दोपहर बाद शुरू हुई बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा हुई तो कहीं सड़कों पर नालों का पानी बहने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नाले भी उफान पर आ गए और नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। मार्गों में मलबा आने से कई स्थानों पर यातायात भी प्रभावित हो गया। बीती सायं 7 मोटर मार्ग बंद रहे पर सोमवार की सुबह बंद मार्गों की संख्या 18 पहुंच गई। बीते दोपहर बाद से शुरू हुई बारिश तेज व हल्के रूप में सोमवार सुबह तक जारी रही। बारिश का रुक रुक कर होने का क्रम जारी था। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ 32 mm, गंगोलीहाट 56 mm, बेरीनाग 60 mm, डीडीहाट 68.5 mm, मुंशारी 14.2 mm और धारचूला 73.6 mm बारिश हुई है। जिले में सोमवार की प्रातः 18 मार्ग बंद होने की सूचना है। इधर चंपावत जिले में तेज बारिश से आम जनजीवन प्रभावित रहा। हालांकि मिली सूचना के अनुसार मार्गों में यातायात सुचारू रहा, पर तेज बारिश के कारण टनकपुर के चंदनी में नरेंद्र सिंह नेगी व नवीन चंद जोशी के आवासीय भवनों के ऊपर एक विशालकाय पेड़ गिरने से मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।